This is Shorshe Elish. One is Elish Bhapa. Hey guys, it's me Raina. Welcome back to my channel. आज मैं आ चुकी हूँ एक नई कुकिंग वीडियो लेकर. आज है संडे, सो आप लोग ने इसके पहले वाला व्लॉग देख के समझ ही गया होगा कि हम लोग गए थे बाजार में इलिश मास लाने के लिए. सो हम लोग ऑलरेडी घर पे ला चुके हैं एंड पहुँच भी चुके हैं. सो देखते मम्मा आज क्या बनाती है इलिश मास का. सो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग आज कैसे बनाते हैं. ये रहा इलिश मास जो है, इसको मम्मा ने धोकर साफ कर चुका है एंड इसको इंग्लिश एंड हिंदी में हिल्सा फिश या हिल्सा मछली बोलते हैं. सो आज हम लोग इलिश मास जो है दो तरह से बनाने वाले हैं. तो दो तरह से बनाने के लिए हम लोग को दो तरह का मसाला भी बनाना पड़ेगा. सो ये रहा इंग्रेडिएंट्स मसाला बनाने के लिए इसका. दिस इज पॉपी सीड मतलब पोस्तो. दिस इज ग्रीन चिली. दिस इज गार्लिक. यहाँ पे है येल्लो मस्टर्ड. दिस इज कर्ड यानी की दही. दिस इज काला जीरा यानी की ब्लैक जीरा. दिस बारीक कटा हुआ कोकोनट यानी कि कोकोनट पाउडर एंड यहाँ पे है नमक एंड दिस इज टर्मरिक हल्दी. इसको पानी में भिगा के रखा था धोने के बाद. अब इसको हम लोग छान लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे. थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक एंड इसको अभी हम लोग को बंद कर देना है क्लोज. सो ये जो है ये पेस्ट बनकर तैयार है. ये रहा एंड इसको अभी ट्रांसफर कर लेते हैं एक बोल में. इसमें हम लोग डालेंगे कोकोनट पाउडर. उसके बाद इसमें जाएगा कर्ड यानी कि दही एंड मिक्स कर लेना है. तो ये रहा दूसरा मसाला जिसको हम लोग पीस ले रहे हैं. तो इलिश भापा बनाने के लिए एक टिफ़िन बॉक्स में तीन पीस मछली ले लेंगे. फिर डालेंगे हल्दी और नमक और फिर डालेंगे वो अलग वाला पेस्ट जो हमने बनाया था कोकोनट और कर्ड डाल के, वो इसमें डालेंगे. फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि सभी मछलियों पे ये मसाला अच्छी तरह लग जाए. फिर हम लोग दो तीन ग्रीन चिली बीच से चीर के डाल देंगे और थोड़ा सा फिर से मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको बंद कर देंगे. इलिश भापा को बनाने के लिए गैस को हम लोग ने कर लिया है ऑन. उसमें बैठा दिया कढ़ाई और उसके बाद फिर हम लोग ने उस कढ़ाई में पानी डाल दिया है एंड उसमें रख दिया है स्टैंड. अब इसमें हम लोग को स्टीम तैयार करना है तो उसके लिए हम लोग को कढ़ाई को कर देना है कवर. सो ये देखिए कढ़ाई के पानी में उबाल आ चुका है यानी कि स्टीम तैयार है. अब हम लोग वो टिफिन बॉक्स स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए. जब तक भापा इलिश बन रहा है उसके बीच हम लोग कर लेते हैं सोरसे इलिश की तैयारी. तो इसमें नमक और हल्दी लेके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये रहा वो मछली का तेल. इसमें भी थोड़ा सा नमक हल्दी लगा लेते हैं और अब इन सबको गरम तेल में फ्राई करना है. पर याद रहे हम लोग इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट गर्म तेल में डालेंगे और एक बार उलट के हम लोग इसको 2-3 मिनट के अंदर ही निकाल लेंगे. कुछ इस तरह से फ्राई करना है. अब हम लोग वो जो मछली का तेल है और मछली का माथा, इन दोनों को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे क्योंकि ये सब हम लोग ग्रेवी में नहीं डालेंगे. ये सब हम लोग ऐसे ही खाने वाले हैं. ये फ्राई हो जाने के बाद हम लोग जो ये ऑयल है इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि ये गर्म भात में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है. जो लोग खाते हैं उनको पता ही होगा. उसी ऑयल में ऐड करेंगे हम लोग काला जीरा, हल्दी पाउडर, दो हरी मिर्च और वो रेडी किया हुआ मसाला और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुक करेंगे. थोड़ी देर कुक करने के बाद हम लोग फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार. सॉल्ट ऐड करने के बाद पानी ऐड करके हम लोग को कंटिन्यू 2-3 मिनट तक चलाते हुए कुक करना है. और कुक करके जैसे ही देखेंगे इसमें कि बॉयल आ रहा है तो बॉयल आते ही हम लोग जो फ्राई करके जो मछली रखे हुए थे वो मछली को इसमें एक एक करके हम लोग को डाल देना है. और मछली डालने के बाद हम लोग डाल देंगे 4-5 ग्रीन चिली और इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे. तो 10 मिनट बाद हम लोग इसको खोल रहे हैं और ये देखिए हम लोग का सोरसे इलिश बन के तैयार है.
अब हम लोग करेंगे गैस को बंद और इसको कर लेंगे ट्रांसफर एक दूसरे बोल में। तो बोल में ट्रांसफ़र करना हो गया है हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चीज़ और ऐड करना है जिससे वो इस फिश का टेस्ट बहुत बढ़ जाने वाला है, वो है मस्टर्ड ऑयल। थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल हम लोग ऊपर से डाल देंगे और डाल के इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो सोरसे इलिस के साथ साथ हम लोग का भापा इलिस भी तैयार हो चुका है। अब हम लोग करेंगे गैस को बंद। तो ये अभी भी गर्म है, इसको थोड़ा देर और छोड़ना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। इसके लिए हम लोग को इसमें से निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो ये ठंडा नहीं होगा। और जब तक ये गर्म है ये खुलेगा नहीं, ठंडा होने के बाद ही खुलेगा। तो और 10 मिनट बाद हम लोग इसको ट्राई करेंगे खोलने का। तो ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम लोग खोलेंगे, देखते खोल के कैसा दिख रहा है। ये पूरा ही ड्राई हो चुका है, दिख रहा है। आज का दो डिशेस बनके यहाँ पे तैयार है। दिस इज सोरसे इलिश एंड दिस वन इज इलिश भापा। सो अभी मैं खा के देखती हूँ। ये मेरे मम्मा ने भात ऑलरेडी सर्व कर चुका है, राइस। दिस इज माय राइस एंड अभी खाकर देखते हैं कैसे बना है। चलो मम्मा मेरे को सर्व कर दो। झोलटा था, मैं इसे खा के टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बना है। कोकोनट पाउडर जो डाले थे उसका टेस्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो झाग है मस्टर्ड का झाग, वो थोड़ा सा हल्का हल्का लग रहा है, पर उतना भी झाल नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मिर्ची का झाल होगा, खेद है। घर है मास्टर खा कांटा कम आछे माछे। सो मेरा भापा इलिश खाना हो चुका है एंड मम्मा अभी मेरे को सोरसे इलिश सर्व कर रही है। ये रहा उसका ग्रेवी, बस ठीक है, खाकर देखते हैं। ये रहा सोरसे इलिश एंड इसको अभी मैं खाने वाली हूँ। वो ज्यादा अच्छा था, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था खाने में, सिर्फ खाके देखते हैं। वो भापा इलिश बंधु नाक डे फिश। अगर मैं ग्रेवी से खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा, टेस्टी लग रहा है खाने में। अच्छा मैम, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्रिप्शन एंड कमेंट। आई एम राइना साइनिंग आउट, देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियोस। थैंक यू, बाय।